एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कुकिंग चूल्हा में। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं एक पनीर रेसिपी। आज की रेसिपी है पनीर की भुर्जी। आज हम पनीर भुर्जी को एक नए तरीके से कुछ स्पेसिफिक मसालों के साथ तैयार करेंगे। आइए जानते हैं पनीर भुर्जी बनाने की विधि। बट फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं पनीर भुर्जी रेसिपी को बनाने के लिए। सबसे पहले हमें यहाँ पे लेना है पनीर। ये 200 ग्राम मैंने यहाँ पे पनीर लिया है और पनीर को हमें हल्का सा मैश कर लेना है। आप चाहें तो इसे ग्रेट भी कर सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं पनीर भुर्जी। पनीर की भुर्जी को बनाने के लिए अब हमें यहाँ पे कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच तेल को अच्छे से पहले गर्म कर लेना है। जब तेल हमारा अच्छे से गर्म हो जाए तो फिर हमें यहाँ पे मिलाना है लहसुन। ये 5 से 6 कलियाँ लहसुन के लिए हैं और लहसुन को मैंने यहाँ पे कद्दूकस किया है। फिर हमें यहाँ पे मिलाना है अदरक। ये 1 इंच मैंने यहाँ पे अदरक लिया है और अदरक को भी मैंने यहाँ पे अच्छे से कद्दूकस किया है। फिर हमें यहाँ पे मिलाना है प्याज। ये 2 मीडियम साइज के मैंने प्याज लिए हैं और प्याज को मैंने थोड़ा सा मोटा मोटा काट लिया है। उसके बाद हमें यहाँ पे मिलानी है हरी मिर्च। ये 2 मैंने यहाँ पे हरी मिर्च ली है और हरी मिर्च को बिल्कुल बारीक काटा है। अब हम प्याज को एक बार अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद अब हम प्याज को 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे, जब तक कि हमारा प्याज हल्का सा सेमी कुक नहीं हो जाता, इसे हम पका लेंगे। प्याज हमारा हल्का सा सेमी कुक हो चुका है तो अब हमें यहाँ पे मिलानी है शिमला मिर्च। ये 1 मीडियम साइज की मैंने शिमला मिर्च ली है और शिमला मिर्च को धो के हमें थोड़ा सा छोटे छोटे पीसेस में काट लेना है। इसके हम अंदर के दाने हटा लेंगे। अब हम शिमला मिर्च को एक बार अच्छे से पहले प्याज के साथ मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद अब हम शिमला मिर्च को प्याज के साथ 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पका लेंगे। शिमला मिर्च और प्याज को हम बीच बीच में चला लेंगे। अब हमें यहाँ पे मिलाना है टमाटर। ये 1 बड़े साइज का मैंने टमाटर लिया है और टमाटर को मैंने थोड़ा सा मोटा मोटा काट लिया है। फिर हमें यहाँ पे मिलाना है नमक। ये 1/2 चम्मच मैंने यहाँ पे नमक मिलाया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, अपनी भुर्जी के अकॉर्डिंग यहाँ पे नमक को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम प्याज और टमाटर को एक बार अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद अब हम इसे कवर करेंगे और कवर करके इसे हम 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे। 3 से 4 मिनट पकाने के बाद हमें इसका कवर हटा लेना है और कवर हटाने के बाद हम इसे एक बार अच्छे से पहले मिक्स करेंगे। तो ये देखिए जो हमारे टमाटर हैं अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। तो इसे हम एक बार फिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमें यहाँ पे मिलाने हैं मसाले। मसालों में सबसे पहले मैंने यहाँ पे मिलाया है 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर। उसके बाद हमें यहाँ पे मिलाना है लाल मिर्च पाउडर। ये 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर मिलाया है। फिर हमें यहाँ पे मिलाना है धनिया पाउडर। ये 1 चम्मच धनिया पाउडर मिलाया है। उसके बाद हमें यहाँ पे मिलाना है 1/2 चम्मच अमचूर पाउडर। अमचूर पाउडर मिलाने से पनीर की भुर्जी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है तो आप इसे मिला सकते हैं। फिर हमें यहाँ पे मिलाना है पाव भाजी मसाला। ये 1/2 चम्मच मैंने यहाँ पे पाव भाजी मसाला मिलाया है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो अब हम सभी मसालों को प्याज और शिमला मिर्च के साथ एक बार अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद अब हमें यहाँ पे मिलाना है थोड़ा सा पानी। ये करीबन 4 से 5 चम्मच के आसपास पानी मिलाया है। पानी मिलाने के बाद अब हम इसे कवर करेंगे और कवर करके इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए बिल्कुल धीमी आंच पे इसे हम पका लेंगे। 2 से 3 मिनट पकाने के बाद हमें इसका कवर हटा लेना है और कवर हटाने के बाद अब हम इसे एक बार फिर से अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये देखिए जो हमारे मसाले हैं प्याज और टमाटर के साथ अच्छे से पक चुके हैं। तो अब हमें यहाँ पे मिलाना है पनीर। पनीर जिसे कि हमने पहले से मैश करके रखा था, आप चाहें तो पनीर को ग्रेट भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे फ्रेश पनीर का यूज किया है। आप चाहें तो फ्रोजन पनीर के साथ भी पनीर की भुर्जी को बना सकते हैं। तो अब हम पनीर को प्याज और शिमला मिर्च के साथ अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद अब हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर इस तरीके से भून लेंगे और भूनने के बाद फिर हम इसे कवर करेंगे और कवर करके इसे हम 3 से 4 मिनट के लिए बिल्कुल धीमी आंच पे इसे पका लेंगे। 3 से 4 मिनट बाद हमें इसका कवर हटा लेना है और कवर हटाने के बाद इसे हम एक बार फिर से अच्छे से मिक्स करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारी पनीर भुर्जी रेसिपी परफेक्ट तरीके से बनके तैयार हो चुकी है। तो अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं।
तो फ्रेंड्स आप भी इसी तरीके से आसानी से इस डिलीशियस सी पनीर भुर्जी रेसिपी को घर पे बना सकते हैं। आपको मेरा पनीर भुर्जी बनाने का तरीका कैसा लगा आप मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। साथ ही फ्रेंड्स रेसिपी अगर अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं एक और डिलीशियस रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर योर वॉचिंग।